हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी आइक वर्जन 2 के फर्स्ट पार्ट यानी कि आइक एसए इनिट के बारे में। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था काफी डिटेल में कि उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस ये था कि अगला वाला जो फेज है, अगला वाला जो स्टेप है यानी कि आइक ऑथ जिसे हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उसके लिए कुछ स्कीइंग मटीरियल जनरेट करना सो दैट ये वाला जो पार्ट है, आइक ऑथ वाला जो पार्ट है, ये स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि इसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं। सिंस ये एक डीप डाइव सीरीज है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस आइक वर्जन 2 का पार्ट 1 जो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था वो अगर देख लें तो इस पार्ट को समझने में आपकी काफी हेल्प होगी, आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर आप डायरेक्टली इसी पार्ट पर आएंगे तो मे भी हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सही से समझ ना आए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आइक अंडरस्कोर ऑथेंटिकेशन इस वाले जो पार्ट होता है आइक वर्जन 2 का, इसके अंदर एक्जैक्टली होता क्या है। इसे हम समझ जाते हैं तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि आइक वर्जन 2 का जो मैंडेटरी वाला पोर्शन है, जो होना ही होना है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो क्रिएट चाइल्ड एसे और ये सब चीज रह जाएंगी, ये ऑप्शनल होती है। आइक ऑथेंटिकेशन आइक अंडरस्कोर ऑथ के अंदर जब हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जैसे कि ये तो आपको पता ही है कि आइक एसे इनिट के बाद ये होता है। इसका एक रीजन भी है, रीजन ये है कि आइक एसे इनिट के अंदर हम काफी सारी चीजें ऐसी नेगोशिएट करते हैं जो हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करी हैं, जिनके बेसिस पे ये वाला जो पार्ट है आइक ऑथ वाला, ये इसमें हम ऑथेंटिकेशन कर पाते हैं, उन्हीं चीजों का यूज करके इस स्टेप को हम सिक्योर कर पाते हैं। तो बेसिकली हम इसमें करते क्या हैं, हम इसमें ये करते हैं कि यहाँ पर हम एनक्रिप्टेड पहले से आ रहा है, हम इसमें ऑथेंटिकेशन ऐड कर देते हैं, यानी कि अब जो डेटा होगा जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो जो एक्सचेंज होगा वो एनक्रिप्टेड भी होगा, ऑथेंटिकेशन भी होगा। इसका मतलब पूरी तरह सिक्योर हो चुका है। अब वो सिक्योर करने का जो प्राइमरी रीजन वो ये है क्योंकि हम इसी पार्ट के अंदर आइक ऑथ वाले पार्ट के अंदर ही हम आइडेंटिटीज रिवील करते हैं दोनों पार्टीज की। अब ये आप मान के चलिए कि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस आइक वर्जन 2 का, जिसमें हम आइडेंटिटीज रिवील करते हैं। अगर आइडेंटिटी को हम सिक्योर नहीं रख पाए तो ये बाकी सारा नेगोशिएशन और ये सब करने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर आइडेंटिटी रिवील हो गई तो ये जो आगे की जो इन्फॉर्मेशन हम सिक्योरली भेजना चाहते हैं वो सब लीक हो जाती है, उस स्ट्रेंथ का कोई फायदा नहीं रहता। तो आइडेंटिटी से प्रिवेंट करना, उसको सिक्योर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑथेंटिकेशन करने के अलावा इस पार्ट में ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पर हमें IPsec SA का एक पेयर ऑलरेडी जनरेट मिलता है, जिसे हम चाइल्ड ऐसे बोलते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट करने के बाद। और इसी वजह से जो अगला वाला पार्ट है जिसे हम क्रिएट चाइल्ड ऐसे बोलते हैं वो ऑप्शनल हो जाता है, क्योंकि हमें एक पेयर IPsec SA यानी कि चाइल्ड ऐसे ऑलरेडी मिल चुका है, काफी जगह पे यही सफिशियंट होता है। लेकिन अगर हमें क्रिएट चाइल्ड ऐसे की वहां पे जरूरत पड़ती है जहां पर इन इस वन पेयर ऑफ IPsec SA के अलावा भी IPsec SA चाहिए होता है, यानी कि फर्दर चाइल्ड ऐसे अगर हमें चाहिए होते हैं, तब जाके हम क्रिएट चाइल्ड ऐसे का यूज करते हैं जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर आइडेंटिटी रिवील होती है, रिवील होने के साथ साथ दोनों पार्टीज एक दूसरे की आइडेंटिटी को वैलिडेट भी करती हैं, वो वेरीफाई करती हैं कि हाँ हम करेक्ट पेयर के साथ बात कर रहे हैं। क्यों? अब वो कैसे कर पाती हैं? क्योंकि एनक्रिप्शन इसके पहले से ही चलता आ रहा है, जब से डिफी-हेलमैन की आइक एसे इनिट वाले फेज में जनरेट हुई थी तभी से ही एनक्रिप्शन चालू हो गया था, तो एनक्रिप्शन और इंटीग्रिटी तो वहीं से चल रहा था। अब ऑथेंटिकेशन इस पार्ट में आके ऐड हो गया, अब डबल सिक्योरिटी होगी। अब डबल सिक्योरिटी होने के बाद जो भी आइडेंटिटी भेजी जा रही है दूसरी पार्टी के पास, उसको कंफर्म पता है कि अब तो कोई चांस है ही नहीं, ये वही जेन्युइन है जिसके वजह से हमें बात करनी थी, या कि जो इंटेंडेड सोर्स है या इंटेंडेड रिसिपिएंट है। जिसमें आइडेंटिटी भेजी जाती है वो इस आइक ऑथ के एक पर्टिकुलर टाइप के पेलोड में भेजी जाती है। इसमें एक्चुअली में बहुत सारे पेलोड्स होते हैं, वन ऑफ देम होता है आइडेंटिटी पेलोड। जैसा कि नाम से पता है आइडेंटिटी पेलोड के अंदर ही आइडेंटिटी भेजी जाती है, उसके साथ ही भेजा जाता है कि आइडेंटिटी किस टाइप की है। यहाँ की मदद से इस आइडेंटिटी पेलोड जब दोनों साइड से भेजा जाता है, इसकी मदद से ये दोनों पार्टीज एक दूसरे को वैलिडेट कर पाती हैं। अब हम अगर आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी क्या होती है यहाँ पे, ये आइक वर्जन 2 आइडेंटिटी क्या कंसिडर करता है? वो आइक वर्जन 2 कहता है कि आइडेंटिटी एक आईपी एड्रेस भी हो सकती है, एक FQDN यानी कि फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी हो सकती है, या सिर्फ एक ईमेल एड्रेस भी हो सकती है, वो भी आइडेंटिटी है। तो ये इनमें से किसी भी चीज का यूज कर सकता है। हाँ, ऑथेंटिकेशन मेथड अलग अलग होते हैं, काफी सारे मेथड्स हैं जो हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये कि जो इनिशिएटर होता है यानी कि जो स्टार्ट कर रहा है, कोई भी साइड हो सकती है, हमेशा यही मत मान के चलिए कि लेफ्ट साइड इनिशिएटर होता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी स्टार्ट करेगा इस रिक्वेस्ट को, इस एक्सचेंज को, वही इनिशिएटर बन जाएगा। तो इनिशिएटर हमेशा अपनी आइडेंटिटी पहले डिस्क्लोज करेगा, वो पहले बताएगा कि ये मेरी आइडेंटिटी है, उसके बाद रिस्पॉन्डर बताएगा कि ठीक है मेरी आइडेंटिटी ये है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा वैलिड है एक्सेप्ट ई ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन पेलोड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, जिसके अंदर टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन और ऑथेंटिकेशन डेटा जाता है। वहां आगे बढ़ने से पहले अब हम यहाँ पे समझते हैं एक कुछ चीजें जो आपको डायग्राम में दिख रही है वो एक्चुअली में है क्या। अब देखिए, ये इनिशिएटर है, ये रिस्पॉन्डर है, यानी कि यहाँ से रिक्वेस्ट स्टार्ट हुई है। अब इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या आता है, ये जो पैकेट जा रहा है ये इनिशिएटर की तरफ से जा रहा है। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये है हेडर, यानी कि जो आई का हेडर जा रहा है। अब आई के हेडर की खास बात क्या होती है कि ये क्लियर टेक्स्ट में जाता है। अभी क्योंकि आप सोचोगे कि एनक्रिप्शन तो डिफी-हेलमैन के बाद ही स्टार्ट हो गई थी, फिर ये क्लियर टेक्स्ट में क्यों जा रहा है, तो एनक्रिप्टेड जाना चाहिए। नहीं, हेडर जो होता है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी दिखनी जरूरी है। अगर वो दिखेगी नहीं तो डायरेक्शन नहीं मिलेगी इस ट्रैफिक को या इस एक्सचेंज को। डायरेक्शन देने के लिए हेडर की जरूरत है, पता तो चले कि जाना कहाँ है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाना है, वो हेडर से पता चलता है। अगर आप उसी को एनक्रिप्ट कर दोगे तो पैकेट कैसे पता चलेगा किसी को कि ये पैकेट जाना कहाँ है, इसीलिए उसको एनक्रिप्ट नहीं किया जाता। हाँ, इंटीग्रिटी प्रोटेक्टेड वो होता है, इसका मतलब ये है कि उसकी उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ चेंज ना होना जरूरी है लेकिन एनक्रिप्ट होना जरूरी नहीं है, उसको दिखना चाहिए।
ये जो आप एसके देख रहे हो, इसी के अंदर ही ये सारा यहां से स्टार्ट होके, ये सारा यहां से लेके और यहां तक का ये जा रहा है, ये पेलोड जा रहा है। अब ये सारा जो पेलोड है ये सारा इंक्रिप्टेड है, सब कुछ इसके अंदर जो है ये इंक्रिप्टेड इंटीग्रिटी प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि जो पिछले वाले जो आई एस ए इनिट वाला जो फेज है उसके अंदर जो हमने डिफी हेलमेन क्रिएट किया था या डिफी हेलमेन का यूज किया था उसका पार्ट, उसका असर यहां भी रहता है, वो इस सबको सिक्योर करने के लिए काम आता है। इंक्रिप्शन वही चलती है, इस पार्ट में आइक ऑथ वाले पार्ट में ऑथेंटिकेशन ऐड हो जाती है, डबल स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन भी ऑथेंटिकेशन भी दोनों काम हो जाते हैं। तो जो यहाँ इसके बीच में इन ब्रैकेट्स के बीच में जो भी कुछ चल रहा है वो इंक्रिप्टेड है और इंटीग्रिटी प्रोटेक्टेड है। ये जो आप आईडी देख रहे हैं ये आइडेंटिटी है इस किसकी, इनिशिएटर की। इसी तरह यहां से जो आइडेंटिटी आ रही है वो दूसरी साइड से आइडेंटिटी रेसिपिएंट की है। ये सर्टिफिकेट है, ये इसका इनिशिएटर का सर्टिफिकेट है कि भाई ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरा सर्टिफिकेट है, आप इसका यूज करो, अगर सर्टिफिकेट के बेस पे नेगोशिएट हो रहा है। मेथड्स और भी हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ अभी। ये सर्टिफिकेशन रिक्वेस्ट, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट है, अगर उसने सर्टिफिकेट भेजा है तो दूसरी पार्टी से भी सर्टिफिकेट मांग रहा है कि आप भी अपना सर्टिफिकेट भेजो, ये ऑप्शनल है। तो ये वो है ऑथेंटिकेशन जिसके अंदर दोनों साइड का ऑथेंटिकेशन डेटा जाता है, इसे हम ऑथेंटिकेशन पेलोड बोलते हैं, इसके अंदर ये डेटा जाता है। ये जो है ये सिक्योरिटी एसेशन, एसे सिक्योरिटी एसेशन, जिसके अंदर वही क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम वगैरह नाउंस और ये सब चीजें हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया है वो सारी भेजी जाती है। ये जो है टीएस, ये ट्रैफिक सिलेक्टर होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इस स्लाइड में थोड़ा सा बाद में आएगा। ये रिस्पॉन्डर साइड से है ट्रैफिक सिलेक्टर, ये उसके लिए भेजा गया है। ये सारे चीजें दूसरी साइड से भी आती हैं जिसके बेसिस पे ये सिलेक्शन हो जाता है, ये कुछ भेज रहा है उसमें से कुछ ये एक्सेप्ट करता है और रिस्पॉन्ड कर देता है। अब बात आती है कि जब आईक ऑथेंटिकेशन होता है ईप के साथ तब क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, क्योंकि ईप के साथ काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। आईक ऑथेंटिकेशन जो ईप के साथ होता है उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ईप के अलावा और कौन कौन से मेथड्स होते हैं। देखिए, पहला तो वही होता है जो नॉर्मली पीएसके, जिसे हम प्री शेयर्ड की बोलते हैं, वो वाला मेथड होता है, ईप चलता है। दूसरा मेथड या फिर ये अपना सिग्नेचर बेस्ड हो गया, ये सर्टिफिकेट बेस्ड पब्लिक, पब्लिक की सिग्नेचर वगैरह बेस्ड हो गया। तो ये तीन तरह के मेथड हो गए। अब इनमें से ये दोनों तो ठीक है, ये बड़े सिंपल है। जो पीएसके होता है ये सबसे वीक होता है, क्रिप्टोग्राफिकली वीक होता है, इजी होता है सेटअप करना, सिंपल कीज डालिए दोनों साइड में, अपना काम शुरू करिए, इजी तो है, बड़ा आसान है। इन दोनों में बहुत सरदर्द है, ईप और सिग्नेचर वाले में, लेकिन पीएसके बड़ा आसान है, लेकिन आसान के साथ ये वीक भी बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता, कोशिश करी जाती है इसको अवॉइड करा जाए अगर आपको रियल में सिक्योरिटी चाहिए तो। अब जैसा कि हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था, जो आईक एस एनेट वाला पार्ट था उसके अंदर डिस्कस किया था कि जैसे दोनों पार्टीज हैं तो दोनों पार्टीज में, जैसे ये एक पार्टीज है इनिशिएटर है एक रिस्पॉन्डर है, तो दोनों पार्टी अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से, यहाँ पे आईक वर्जन 2 में ये अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर इसको प्री शेयर्ड की यूज करना है ये कर ले, दूसरे वाली पार्टी को प्री शेयर्ड पसंद नहीं है वो ना करे, उसकी जगह पे वो सर्टिफिकेट यूज कर सकता है, और सर्टिफिकेट हो गया या फिर वो ईप यूज कर सकता है या फिर वो सिग्नेचर बेस्ड, यानी कि बेसिकली जो उनका लोकल ऑथेंटिकेशन मेथड होगा, यानी कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ की हम बात कर रहे हैं उस साइड पे जो बेटर होगा, जो यूजर्स के लिए कंपनी के लिए बेटर होगा वो ये कर देंगे, पीएसके नॉर्मली अवॉइड ही करते हैं, सिक्योर नहीं होता इतना। अब अगर मान लीजिए ये वाला हम अगर ईप यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो ईप के बारे में, तो जब अगर हम ईप यूज कर रहे हैं तो ईप के केस में क्या होता है कि एक रूल है ईप के केस में, जैसे यहाँ पर तो हम एक साइड कुछ भी और दूसरी साइड कुछ भी यूज कर लेते थे, ईप के केस में ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है कि अगर एक साइड, मान लो ये वाली साइड ईप यूज कर रही है, तो दूसरी वाली साइड को मैंडेटरी सिग्नेचर बेस्ड ही यूज करना पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक यही मैंडेटरी है, अदरवाइज और कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर एक साइड ईप कर रही है तो ये सिग्नेचर बेस्ड ही होगा, क्योंकि सिक्योरिटी का वही लेवल रखना पड़ रहा है इसमें, सिर्फ एक ये एक्सेप्शन है, आप याद कर लीजिए। अगर हम जैसे ईप की बात करते हैं तो ईप के केस में ऑथेंटिकेशन पेलोड को एक्सक्लूड कर दिया जाता है आईकॉल से। अब ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, जब ईप की बात होती है तो ईप प्रोटोकॉल में अपना ही अलग फंडा चलता है। अपना अलग फंडा कैसे चलता है कि ईप के अंदर, जैसे हम यहाँ पे आईक के अंदर बात कर रहे हैं आईकॉथ में, तो यहाँ पर एक मैसेज भेजा जा रहा है, एक रिस्पॉन्स भेजा जा रहा है, तो वो सब ठीक है, वो अपना पेयर में चल रहा है। लेकिन जब ईप इन्वॉल्व हो जाता है तो ईप के अंदर वहां पर एक अलग प्रोटोकॉल चल रहा है, वो सेकेंडरी एक अलग ही टाइप का प्रोटोकॉल है, तो वो क्या करता है, अपना ईप रिक्वेस्ट ईप आइडेंटिटी इन मैसेज के थ्रू बात करता है, ईप रिक्वेस्ट या ईप रिस्पॉन्स, और जब उसे पूछना होता है तो ईप आइडेंटिटी, ये इस तरीके से ईप बात करता है। तो ये क्या करता है, ये आईक के जो ऑथेंटिकेशन वाला फंडा है, यानी कि ये जब भी ईप के साथ ऑथेंटिकेशन होती है तो ये कि आईक ऑथ को क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यहाँ पर ये आईक के थ्रू जो ऑथ हो रही है वो, और एक यहाँ पर जो ईप के थ्रू जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो चल रहा है वो, इन दोनों को वो सेपरेट कर देता है। इसी वजह से जब ईप आता है तो ये ऑथेंटिकेशन पेलोड को आईक ऑथ से हटा देता है और उस ऑथेंटिकेशन पेलोड को अपनी साइड में ले जाता है, जहां पर ये ईप रिक्वेस्ट ईप आइडेंटिटी ईप रिस्पॉन्स ये सब चीज लेता है और वहां से आइडेंटिटी वैलिडेशन करता है। ये आईक वाली जो आइडेंटिटी वैलिडेशन है उसके बेसिस पर ये नहीं चलता, इसको सेपरेट चाहिए। यहाँ पे जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, दो सेपरेट आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं इन केस ऑफ ईप। एक जो आईक वाली आइडेंटिटी थी, यानी कि जो इस साइड आईक वाली आइडेंटिटी थी वो तो चलती है, वो वाली आइडेंटिटी इधर भेजी जाती है, अब उसको फर्दर वैलिडेशन ईप के बेसिस पे होता है, यानी कि रिस्पॉन्डर ईप के बेसिस पे उसको वैलिडेट करता है, तो ये वो ईप आइडेंटिटी की तरह काम करती है, वहां वैलिडेशन होता है।
अभी जो ऑथेंटिकेशन डेटा जो अलग हुआ है, जो एक्सक्लूड कर दिया गया है आइक ऑथ से ये ईव की वजह से, अब इसमें क्या है कि इस ऑथेंटिकेशन जो पेलोड है इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो जो हम ऑथेंटिकेशन मेथड यानी कि ई प्री शेयर की या सिग्नेचर बेस जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से जो भी ऑथेंटिकेशन मेथड यूज होता है वो, और उसके अलावा जो ऑथेंटिकेशन डेटा जिसके बेसिस पे हम दोनों साइड्स को, दोनों डिवाइसेस को या दोनों पीयर्स को हम वैलिडेट करेंगे, वो वाला जो है ऑथेंटिकेशन डेटा वो होता है। ये दोनों चीज कंबाइंड होती है ऑथेंटिकेशन पेलोड के अंदर। ईप जो होता है वो इस ऑथेंटिकेशन पेलोड को एक्सक्लूड कर देता है और अपने हिसाब से यूज करता है। जब नॉर्मल केसेस में ऑथेंटिकेशन होता है तो यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ से इस साइड से एक आइक आइडेंटिटी आई जो हम आईडी वाला पेलोड होता है उसमें आइक आइडेंटिटी आई, तो नॉर्मल साइड क्या होगा, ये जो दूसरा वाला रिस्पॉन्डर है ये यहाँ से इस आइक आइडेंटिटी को वैलिडेट करेगा और अपनी वाली आइक आइडेंटिटी भेज देगा, ऐसी दूसरा वाला वैलिडेट कर देगा और ये सब ओके है। ईपी केस में क्या होता है कि जब ये आइक की आइडेंटिटी आती है रिस्पॉन्डर के साइड में, तो रिस्पॉन्डर डायरेक्ट वैलिडेशन नहीं करेगा, डायरेक्ट वैलिडेशन की जगह पे वो क्या करेगा, वो एक ईप रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा, क्योंकि ईप यूज हो रहा है ना, तो वो एक ईप रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा इनिशिएटर को और उससे बोलेगा कि आप गिव मी द ईप आइडेंटिटी। अब ईप आइडेंटिटी हो गया तो ये जो प्रोसेस था ये यहीं का यहीं कुछ टाइम के लिए शांत हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर अपना ईप वाला प्रोसेस चलेगा, ये ईप आइडेंटिटी रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, फिर ईप आइडेंटिटी का रिस्पॉन्स भेजा जाएगा, वापस आएगा इनिशिएटर की तरफ से, फिर वैलिडेट होगा, जब वैलिडेट होने के बाद ये कन्फर्म यानी कि ईप वैलिडेट करेगा, यहाँ पर जब वैलिडेट हो गया कि आइडेंटिटी वैलिड हो गई तो ये वाला जो आउटपुट है जो फाइनल आएगा वो फिर यहाँ से रिस्पॉन्डर से वापस इनिशिएटर की तरफ भेज जाएगी, हाँ भाई अब आपका वैलिडेशन हो चुका है, आइडेंटिटी कन्फर्म्ड है, गुड टू गो। तो ईप के केस में यहाँ पे डबल एक तरह का मतलब, मान लीजिए दो आइडेंटिटी यूज होती है, जो ईप होती है वो एक्चुअली सेकेंड आइडेंटिटी की तरह यूज होती है, प्राइमरी आइडेंटिटी होगी आइक आइडेंटिटी और जो मेन जो यूज हो रही वो होगी सेकेंड आइडेंटिटी ईप। एक और चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की है कि जब ईप यूज होता है तो जो आइक ऑथ का एक्सचेंज होता है उसमें कम से कम 6 एक्सचेंजेस होते हैं। आरएफसी तो यहां तक बोलती है कि अगर ईप यूज हो रहा है तो आइक ऑथ को सपोर्ट करना चाहिए एटलीस्ट 10 एक्सचेंजेस का। अब आइक ऑथेंटिकेशन में, आइक ऑथ में थोड़े से और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें समझने जरूरी है, जैसे कि ट्रैफिक सिलेक्टर्स। अब ट्रैफिक सिलेक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ट्रैफिक सिलेक्टर में क्या होता है कि जैसा कि नाम है ट्रैफिक सिलेक्टर, ट्रैफिक को सिलेक्ट करना, लेकिन किस लिए, ये सिलेक्ट करने के लिए कि कौन कौन सा ट्रैफिक एनक्रिप्ट होगा। हमें हर चीज एनक्रिप्ट नहीं चाहिए, कुछ ट्रैफिक होता है जो हमें एनक्रिप्ट करना होता है, ये कब, जब हम आईपी सेक एसए कर रहे होते हैं, यानी कि जो चाइल्ड एसए वाला जो पार्ट होता है उसमें हमें क्या क्या ट्रैफिक एनक्रिप्ट करना है, वो जो सारा है वो सब हमें डिस्कस होता है ट्रैफिक सिलेक्ट करने का। अब जैसे इनिशिएटर और रिस्पॉन्डर के बीच में काफी सारा ट्रैफिक चल रहा है तो उस ट्रैफिक में से क्या होता है, इधर की साइड से यानी कि जो भी इनिशिएटर साइड है उस साइड से कई सारे ट्रैफिक सिलेक्टर्स भेजे जाते हैं, यानी कि TS, ट्रैफिक सिलेक्टर 1, ट्रैफिक सिलेक्टर 2, ट्रैफिक सिलेक्टर 3, ऐसे करके भेजे जाते हैं उधर से कि ये जो ट्रैफिक है इसको भी एनक्रिप्ट करो, ये जो ट्रैफिक है इसको भी एनक्रिप्ट करो, TS2 ये जो है इसको भी एनक्रिप्ट करो, ये जो है ये सारी इनिशिएटर भेजता है कि मुझे ये सब करना है। अभी जो बहुत सारे जो ट्रैफिक सिलेक्टर्स, ये जो इनिशिएटर भेज रहा है, इसमें से जो रिस्पॉन्डर है ये सिलेक्ट कर लेगा कि ठीक है ये भी इनक्रिप्ट करते हैं, वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, जो भी से करना होगा वो अपना रिस्पॉन्स उसमें भेज देगा, तो ट्रैफिक सिलेक्टर वाला पार्टी डन हो जाएगा, दोनों पार्टीज डिसाइड कर लेंगे क्या क्या इनक्रिप्ट करना है, उस हिसाब से वो आगे बढ़ लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे GRE अगर यूज हो रहा हो, अगर दोनों साइड के बीच में GRE जेनेटिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन अगर यूज हो रहा है तो GRE में एक होगा टनल सोर्स और एक होगा टनल डेस्टिनेशन। तो क्या होगा, ये जो टनल ट्रैफिक सिलेक्टर है ये GRE की टनल सोर्स से लेके और जो टनल डेस्टिनेशन है वहां तक का सारा ट्रैफिक भेज देगा कि ये हमें सारा का सारा एनक्रिप्ट चाहिए। अब GRE के केस में उसको भी रिस्पॉन्डर को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि GRE सिक्योर नहीं होता, तो ये सब यहाँ पे चाहिए, तो वो टनल सोर्स से लेके टनल डेस्टिनेशन तक वो सारा एनक्रिप्ट हो जाएगा। अब ये जो इनिशियल कॉन्टैक्ट है ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जैसा कि नाम बोलता है इनिशियल कॉन्टैक्ट, यानी कि ये होस्ट जब ये मैसेज रिस्पॉन्डर के पास भेजता है, अपने पीयर के पास भेजता है कि इनिशियल कॉन्टैक्ट है ये जो मैं ये वाला भेज रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इससे पहले मेरे बारे में आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन हो उसको डिलीट कर दो, उसको इनवैलिड मानो, सिर्फ यही हमारा कॉन्टैक्ट है, यही हमारा कनेक्शन है जो हम अभी सेटअप कर रहे हैं। तो ये होता है इनिशियल कॉन्टैक्ट का मतलब आइक के हिसाब से, आइक वर्जन 2 के हिसाब से। अगर पुरानी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो हैकिंग का और मैन इन द मिडल के चांसेस रहते हैं। अब देखिए इनिशियल कॉन्टैक्ट को हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए इस साइड ने इस साइड को, यानी कि ये हमारा होस्ट है, इस होस्ट ने और ये इसका पीयर है, इस होस्ट ने इसको एक पेलोड भेजा यानी कि नोटिफिकेशन पेलोड भेजा जिसके अंदर उसने मेंशन किया इनिशियल कॉन्टैक्ट। अब इनिशियल कॉन्टैक्ट जब इसने भेजा इसके पास, तो ये जो पीयर है इसकी मेमोरी में, इसके इन्फॉर्मेशन या इसके डेटाबेस में जो भी कुछ होगा इस वाले होस्ट के बारे में उसको वो रिमूव कर देगा, क्लियर कर देगा कंप्लीटली कि भाई आपके बारे में मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। अब ये हेल्पफुल कहाँ पे होता है,
हेल्पफुल वहां पे होता है कि जैसे मान लीजिए कोई होस्ट, जैसे यही होस्ट है, कभी क्रैश हो गया हो, ठीक है, अननेसेसरी कभी रीस्टार्ट हो गया हो, जैसे होता है ना हमारे पीसीबीसी में लाइट वाइट चली जाती है, तो ऐसा ही कुछ हो गया हो, या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको मैनुअली डाउन कर दिया हो, वो होता है ना एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन करके, वो भी डाउन कर दिया हो, तो भाई दूसरा वाला जो पीयर है उसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसी वजह से कुछ मिक्स वगैरह ना हो, कुछ हॉचपॉच ना हो, उसकी वजह से ये बोल दिया जाता है कि भाई ये इनिशियल कॉन्टैक्ट मान के चलो, इससे पहले हमारी बात ही नहीं हुई थी, इससे पहले ना हम आपको जानते थे ना आप हमें जानते थे, बात खत्म। अब दोस्तों यहाँ पे आगे मिलता है आईक वर्जन 2 का पैकेट स्ट्रक्चर, यानी कि हेडर फॉर्मेट कैसा होता है, तो वो किस तरह दिखता है, उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स होते हैं, वो हम थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये दिखता है आपको आईक वर्जन 2 का पैकेट स्ट्रक्चर। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, देखिए जैसे ये फर्स्ट वाला है, ये है इनिशिएटर का SPI, ये है रिस्पॉन्डर का SPI। हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि SPI का इंपॉर्टेंस क्या होता है। SPI हो गया सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। इस सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स की मदद से ही ये पता चलता है रिसीविंग होस्ट को कि हाँ हम इस वाले आईक वर्जन 2 सेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए नेट आएगा, IP चेंज हो जाएगा, और कुछ यहाँ पे ऐसा है नहीं जिसके बेसिस पे इस पर्टिकुलर आईक वर्जन 2 SA की सेशन के बारे में पता कर सके। इसी वजह से ये SPI है ये टॉप पर रखा गया है, इसको देखकर ही पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला आईक वर्जन 2 सेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे आइडेंटिफाई हो जाता है। दूसरा ये भी है कि क्या बोलते हैं, जो SPI है ये हर सेशन के लिए अलग अलग होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में मल्टीपल आईक वर्जन 2 सेशन चल रहे हों, बहुत सारे सेशन चल रहे हों, अब उनमें से आइडेंटिफाई करना कौन सा सेशन किसका है, उसको वो सब करना, उसके लिए SPI ही इन्होंने डेडिकेटेड फील्ड रखा जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाता है आईक सेशन। अब हेडर के बाद यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स हैं जैसे आप देख रहे हैं, अब जो भी फील्ड है उनका जो नेक्स्ट टाइप होता है यानी कि पेलोड टाइप होता है वो पता चलता है यहाँ से नेक्स्ट पेलोड से, कि नेक्स्ट पेलोड जो आने वाला है वो कैसा कैसा, यानी कि ये जो इस हेडर है, ये जो एक पूरा आप ये देख रहे हैं ये हेडर है, ठीक है, इस हेडर के बाद एक पेलोड होगा, ऑथेंटिकेशन पेलोड भी होगा, आइडेंटिटी पेलोड भी होगा, सब चीजें होंगी, सारी तरह के पेलोड होते हैं। अब वो पेलोड किस टाइप का आने वाला है वो इस नेक्स्ट हेडर नेक्स्ट पेलोड फील्ड से पता चलता है, ठीक है। ये जो आप मेजर वर्जन यहाँ पे देख रहे हो, मेजर वर्जन कौन सा, ठीक है, हम लिख रहे हैं आईक वर्जन 2, ये जो 2 है यही मेजर वर्जन है, यानी कि मेजर वर्जन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2। अब ये है माइनर वर्जन, माइनर वर्जन जो हम लिखते हैं वो 0 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज टाइप आता है, जैसे हम चल रहा है आईक एसएनयू चल रहा है, आईक ऑथ चल रहा है, क्रिएट चाइल्ड से चल रहा है, कौन सा एक्सचेंज टाइप चल रहा है, ये कुछ फ्लैग्स होते हैं जो यहाँ पे यूज होते हैं, ये सब चीजें कॉमन में आ गई। ये मैसेज आईडी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस मैसेज आईडी के काउंटर से पता चलता है कि कौन सा एग्जैक्ट एक्सचेंज चल रहा है। अब देखिए एक्सचेंज कौन से हैं, जो फर्स्ट वाला है उसे हम बोलते हैं आईक एसए इनिट, ये फर्स्ट वाला मैसेज एक्सचेंज है। सेकंड वाला कौन सा है, ये है आईक अंडरस्कोर ऑथ, थर्ड वाला क्रिएट चाइल्ड से, तो ये वाले जो हैं ये सारे के सारे मैसेज हैं, ठीक है। अब मैसेज आईडी में यहां से स्टार्ट हो रहा है इस वाले से, तो मैसेज आईडी में अगर हम आईक एसए इनिट कर रहे हैं तो इसको रखा जाएगा 0, यहां पर जब हम आ गए क्योंकि ये नेक्स्ट वाला, इसको रखा जाएगा 1, जब यहां पे हम आ गए ये उसके नेक्स्ट वाला, इसको रखा जाएगा 2। तो इस हिसाब से मैसेज आईडी से हमें पता चल जाएगा कि अभी हम फिलहाल कौन से वाले एक्सचेंज का पार्ट है। अब जैसे मान लीजिए आईक एसए इनिट के अंदर पैकेट्स इंक्रीज होते रहेंगे, देखिए डिफी हलमेन वाला रिजेक्शन हुआ या फिर कोई भी रीजन हुआ जिसकी वजह से 2 पैकेट्स में जो होना था वो 4 पैकेट्स में हो गया या 6 पैकेट्स में हो गया, कुछ भी है वो सिर्फ पैकेट इंक्रीज होंगे। ये जो मैसेज आईडी है ये जब तक ये एक्सचेंज कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये मैसेज आईडी चेंज नहीं होगी, जब तक ये आईक एसए इनिट से आईक ऑथ की तरफ नहीं जाएगा तब तक ये आईडी 0 ही रहेगी, ऑथ पे जाने के बाद ये 1 हो जाएगी और 2 और ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मान लीजिए आईक एसए इनिट चला, उसके बाद आईक ऑथ हुआ, ये क्रिएट चाइल्ड से वगैरह सब कुछ हो गया, यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन उसके बाद ये जो लाइफ टाइम था जिसको सेट किया गया था वो ओवर हो गया, तो उसकी वजह से हमें इसको रीकी करना पड़ गया। अब रीकी किया, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे समझेंगे रीकी क्या होता है, आप बेसिकली अभी के लिए समझ लीजिए एक तरह का रिन्यूअल होता है। जब हम रीकी किया, रिन्यू किया, तो ये काउंटर फिर से मान लीजिए 2 पे पहुंच गया था काउंटर, तो ये फिर से लौट के 0 पे आ जाए, क्योंकि हम फिर से आईक एसए इनिट से स्टार्ट करेंगे रीकी करने के बाद। रीकी करने के बाद हम डायरेक्टली आईक ऑथ पे नहीं पहुंच जाएंगे, होगा स्टार्ट आईक एसए इनिट से, तो ऐसे करके ये काउंटर फिर से 0 हो जाएगा रीकी करते ही। तो ठीक है फ्रेंड्स, आईक ऑथ में इतना ही था, ये क्रिएट चाइल्ड से हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, और आई होप आज आपको ये वाला सेशन समझ में आया होगा, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी इससे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में और फेलो इंजीनियर्स में इसको शेयर करें, सो दैट उनको भी पता चले और उनकी भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि आईक वर्जन 2 काम किस तरह करता है। ये आईक वर्जन 2 के 2 पार्ट्स बन चुके हैं, आईक एसए इनिट और ये वाला आईक ऑथ, एक तीसरा पार्ट और बचा है जिसमें हम क्रिएट चाइल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगले पार्ट में फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, यू हैव अ ग्रेट डे।